करौली हिंसा से जुड़ी एक खबर है। मुख्य आरोपी मतलूब अहमद अब तक फरार है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास हिंसा के वक्त का वो वीडियो है जिसमें पुलिस के सामने मतलूब दिख रहा है। अब राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गहलोत बहादुर शाह जफर की तरह होंगे, इस सल्तनत के वो आखिरी बादशाह होंगे। ये सतीश पूनिया जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कहा गया है। टाइम्स ऑफ नवभारत करौली हिंसा से जुड़ी हुई एक एक अपडेट लगातार आपको बता रहे हैं। मुख्य आरोपी मतलूब अहमद अभी तक फरार है। मतलूब अहमद एक निर्दलीय पार्षद जरूर है, लेकिन कांग्रेस के सभापति को समर्थन भी मतलूब अहमद का। तस्वीर जरा देखिए, ये फोन पर बात करता हुआ शख्स मतलूब अहमद, इसके ठीक पीछे एक नकाबपोश शख्स जिसके आंख में लाठियों का गट्ठर है। दंगे की शुरुआत की ये वीडियो बताई जा रही, जिस वक्त मतलूब अहमद वहां पर मौजूद था। अब वो इशारा ले रहा है कि इशारा दे रहा है फोन पर, ये साफ नहीं है, लेकिन ये जरूर साफ कि वहां पर पुलिस वाले मौजूद थे और एकदम निष्क्रिय हालात में पुलिस वाले वहां मौजूद आए दंगे के हालात को देखने के बावजूद भी। सवाल यहाँ पर यह है कि राजस्थान सरकार मतलूब अहमद को कब तक बचाएगी, कब तक ये छिपता फिरेगा, क्यों अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है राजस्थान पुलिस। सवाल यहाँ पर यह बड़ा है, दबंगई पुलिस के सामने ही इसकी, और पुलिस भी चुपचाप खड़ी रही, हिंसा होती रही। सवाल राजस्थान पुलिस से भी है, लाठी डंडों के साथ कई समर्थक इसके भागते हुए आपको नजर आ जाएंगे। एक रिपोर्ट इस पर आप देखिए। राजस्थान के करौली में हुए दंगों का सच क्या है, उस दिन क्या हुआ, हिंसा कैसे भड़की, इन दंगों का मास्टरमाइंड कौन है, इस सच से धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। राजस्थान के करौली दंगे पर टाइम्स नाउ नवभारत हर दिन नए सबूतों के साथ नया खुलासा कर रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ अब एक ऐसा वीडियो लगा है जिसमें दंगे का मुख्य आरोपी मतलूब अहमद बीच दंगे में दिख रहा है। देखिए, यही है इन दंगों का मुख्य आरोपी मतलूब अहमद जो फोन पर बात कर रहा है। इस वीडियो में वो दिख तो जरूर रहा है, लेकिन फोन पर क्या बात कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है या ऑर्डर ले रहा है, ये साफ नहीं है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इस वीडियो में मतलूब के बगल में गहलोत साहब की पुलिस साफ खड़ी दिखाई दे रही है। राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल खड़ा है, दंगा हो रहा है, किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में पत्थर है, हंगामा मचा हुआ है, लेकिन पुलिस वाले को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो महज तमाशबीन बना हुआ है। अब इन तस्वीरों पर नजर डालिए जो इस हिंसा को लेकर काफी कुछ बताती हैं। पहली तस्वीर तब की है जब खुलेआम दंगे में पुलिस वाला खड़ा है, दोनों गुटों के लोग आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, पुलिस वाला चौराहे पर बस खड़ा तमाशा देख रहा है। दूसरी तस्वीर मतलूब के घर की है जहां पुलिस वालों को लाठी डंडे पत्थर मिले, और तीसरी तस्वीर में खुद मतलूब दंगे के बीच में दिख रहा है। पुलिस ने करौली हिंसा में बीजेपी नेता राजाराम गुर्जर के खिलाफ भी FIR दर्ज की है, जिससे गुर्जर समाज में गुस्सा है और वो आंदोलन की तैयारी कर रहा है। इसी को लेकर गुरुवार को गुर्जर समाज की महापंचायत भी हुई। उधर करौली के बाद अब अजमेर में धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान एहतियातन धारा 144 लगाई गई है। गहलोत सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। समय समय पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की तुष्टिकरण की राजनीति राजस्थान के अंदर विशेष समय पर संचालित की जा रही है। बीकानेर के अंदर धारा 144 लगा दी जाती है ताकि धार्मिक यात्रा ना निकले। जोधपुर के अंदर एक सर्कुलर जारी किया जाता है कि जहां पर अभी रमजान का समय है उस समय पर मुस्लिम जहां पर बहुसंख्यक हैं वहां पर लाइट की व्यवस्था सुचारू रखी जाए। करौली में घटना की जाती है वहां पर ये लोग खुद सम्मिलित हैं, इनके पार्षद सम्मिलित हैं, इनके समर्थक सम्मिलित हैं, खुद ये सम्मिलित, इनको सूचना होने के बाद भी उस घटना को रोका नहीं गया। जगह जगह के उदाहरण आपको मैं दे सकता हूँ। अलवर के अंदर मेवा क्षेत्र आता है, वहाँ पर रोज अपराधियों को पुलिस पकड़ कर लाती है, लेकिन इनका फोन जाता है, अपराधी छूट जाता है। इनके रहते हुए आपराधिक छवि के लोग जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश की शांति को अस्थिर करने का काम करते हैं, उनको ये कांग्रेस संरक्षण देती है। इन सब के बीच करौली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए
10 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इंटरनेट पर भी पाबंदी जारी रहेगी। भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया क्या कहते हैं, सुनवाते हैं आपको। जो वोट बैंक और अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है, उन्होंने की है। उनको लगता है कि अब एक बहुसंख्यक समुदाय कांग्रेस के खिलाफ पोलराइज हुआ है और कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, कांग्रेस को विचार विवाद से लोगों ने नकार दिया। डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी इसलिए आशंकित हैं कि पूरे देश भर में, पूरे नक्शे से कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक, केवल राजस्थान और छत्तीसगढ़ बचे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत जी अब कांग्रेस पार्टी के बहादुर शाह जफर साबित होंगे, क्योंकि कांग्रेस की अब ये आखिरी पारी राजस्थान में, उसके बाद में मुझे लगता है उनको ये बात कहने का अवसर भी नहीं मिलेगा। और हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, इस वक्त क्या अपडेट सामने है करौली को लेकर के? मतलूब अहमद का पता नहीं तो ऊपर से बीजेपी सीधा अशोक गहलोत पर निशाना साध रही है। देखिए, अशोक गहलोत पर जिस तरह से निशाना साधा जा रहा है वो एक राजनीतिक उनका अपना वक्तव्य है, लेकिन सरकार फेलियर रही है ये सबके सामने सच सामने आ ही रहा है। पिछले 6 दिन से हम लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं और पोल खोलती हैं उस पुलिस व्यवस्था की, उस गृह मंत्रालय की जो कि मुख्यमंत्री के अधीन है। लगातार एक दूसरे पर आरोप भले लग रहे हो, लेकिन करौली उस दंश को झेल रहा है। 7वां दिन आ गया है। ऐसे में करौली की अगर हम बात करें तो फिलहाल 3 दिन की ढील दी गई है, 3 घंटे की ढील दी गई है, माफ कीजिएगा, जिसमें 9 से 12 बजे तक की यह ढील रहेगी, जिसमें लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं ले सकते हैं। उसके अलावा कर्फ्यू को बढ़ा करके 10 तारीख तक के लिए कर दिया गया है और गुर्जर समाज, राजा राम गुर्जर का नाम आने के बाद आक्रोशित है। उन्होंने कल एक बैठक की है, मीटिंग में तय किया गया है कि अगर उनका निष्पक्ष रूप से जांच नहीं की जाएगी और अगर व्यवस्थापूर्ण, राजनीतिक व्यवस्थापूर्ण अगर उनका नाम लिया जाएगा तो गुर्जरों ने यह कहा है कि वो किरोड़ी सिंह बैसला का रास्ता इख्तियार करेंगे। मतलब साफ है कि जो रेल की पटरी पर गुर्जर आंदोलन हुआ था, हो सकता है वही आग एक बार फिर से सुलगे और सरकार एक बार फिर परेशानी में आ जाए। ठीक है भंवर, आप इस खबर पर नजर रखिएगा, अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। इंतजार हो रहा है मतलूब अहमद की गिरफ्तारी का।